आइए बच्चों, कक्षा 11 के भौतिक भूगोल के दूसरे अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में हमने पिछले कई लेक्चर्स में अध्ययन किया है। उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कौन कौन सी संकल्पनाएं थी, तारों का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हमने बात की। आइए अब स्थल मंडल और जल मंडल के विकास की प्रक्रिया को समझते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रहों के निर्माण की और सौर मंडल की प्रक्रिया को समझा, और पृथ्वी के संदर्भ में सौर मंडल के अन्य ग्रहों की विशेषताओं का अध्ययन किया और फिर इसके कारकों को भी समझा। आज हम चंद्रमा और स्थल मंडल के विकास की बात करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह वह होता है जो ग्रह की परिक्रमा करता हो, और ग्रह वह होता है जो अपने तारे या सौर परिवार के मुखिया की परिक्रमा करता हो, और हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। चूंकि सूर्य खुद भी एक नेबुला के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है, इस रूप में ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो स्थिर हो, जो स्थायित्व वाला हो। सभी पिंड परिवर्तनशील है। इस रूप में सूर्य खुद उस एंड्रोमेडा, ऐरावत पथ या मंदाकिनी या मिल्की वे या दुग्ध गंगा नामक आकाश गंगा गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है। 25 करोड़ वर्ष में जब सूर्य अपना चक्र पूर्ण करता है, तो इस प्रकार इसी तरह पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में अपना एक चक्कर पूर्ण करती है। यह चक्कर लगाने की विधि परिक्रमण कहलाती है, परिक्रमण कहलाती। और इस तरह से चंद्रमा है वह भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हर छोटा पिंड बड़े पिंड के चारों ओर घूमता है। तो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधित कई मत प्रस्तुत किए गए हैं, और सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते एक ही पिंड थे, यानी जैसे सूर्य से निकले हुए पदार्थ से अन्य ग्रहों के निर्माण की बात कही जाती है, उसी तरह से पृथ्वी के निकले हुए पदार्थ से चंद्रमा के निर्माण की बात भी कही जाती है। तो सर जॉर्ज डार्विन ने सोचा कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल यानी बीच से पतला व किनारे से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततोगत्वा टूट गया, और उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। कहने का मतलब है, धरातल के ऊपर सबसे बड़ा महासागर ये गर्त प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर का आकार बहुत बड़ा है, और जितना वो सागर गहरा है उतना ही पदार्थ पृथ्वी से बाहर निकला, और वो बाहर निकला हुआ पदार्थ है वो एकत्रित होकर संघनित होकर गोल आकृति में बदलकर और पृथ्वी का उपग्रह यानी चंद्रमा बन गया। ये सर जॉर्ज डार्विन की परिकल्पना है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इसमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां अलग है, और यह 1838 में कही गई बात है जब वैज्ञानिक शोध अल्प अवस्था में थी। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव जिसको जेंट इम्पैक्ट कहा जाता है, जिसे द बिग स्प्लैट भी कहा जाता है, यानी पृथ्वी से चंद्रमा के निर्माण की प्रक्रिया को द बिग स्प्लैट कहा जाता है। और ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के एक से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया, यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो मंगल ग्रह आकार में माना जाता है, तो उससे काफी बड़ा पिंड है वो पृथ्वी से टकरा गया, और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया।
एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। देखिए, जैसे पृथ्वी पर जूरेसिक युग में डायनासोर्स की उपस्थिति थी, डायनासोर्स उस समय धरातल पर पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में डायनासोर के अवशेष है वो मिट्टी के नीचे दबे हुए मिलते हैं। तो इतने विशाल काय प्राणी धरातल के नीचे कैसे दब गए? तो इसको समझने के लिए हम चंद्रमा की उत्पत्ति वाली बातें समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद की बातें हैं ये। लेकिन जिस प्रकार से डायनासोर्स का विलुप्तिकरण हुआ, यानी एक बहुत ही बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी से टकराया होगा, उस टकराने के कारण जो जल है महासागर का, वो जल है वो धरातल के ऊपर फैल गया, और उस विशाल राशि में जल के धरातल के ऊपर फैलने के कारण जितने भी ये जीव थे वो उसके नीचे दब गए, उसके ऊपर मिट्टी का आवरण आ गया और वो दबे हुए रह गए। तो वो ऐसी एक विशाल टक्कर जो हुई है उल्का पिंड की पृथ्वी से, वैसी ही एक बड़ी टक्कर है वो पहले हुई मानी जाती है, जिससे जो पदार्थ बाहर निकला वही पदार्थ है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की साम्य अवस्था में बंधकर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे उसका आकार है वो धनी भवन की प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे गोल होता गया गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरे पदार्थ भी उसके ऊपर चिपक कर वर्तमान में चंद्रमा जैसी गोल आकृति में बदल गया। तो टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर पृथ्वी की कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई है। 4.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है कि पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ, पृथ्वी का उद्भव यानी पृथ्वी है उसके निर्माण, धरातल कैसे बना, वायुमंडल कैसे बना, जलमंडल कैसे बना, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी का आरंभिक रूप था उस आरंभिक रूप से चंद्रमा नामक जो पदार्थ बाहर निकला था उसके धनी भवन से उपग्रह तो बन गया, लेकिन पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी, यानी गर्म थी इसलिए उस पर जीवन संभव नहीं था, जल की अनुपस्थिति थी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति थी इसलिए उस पर जो किसी प्रकार का जीवी रूप संभव नहीं था, जिसका वायुमंडल बहुत ही विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसें श्वसन में काम नहीं आती है, जबकि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसों का नाभिकीय संगठन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में महत्वपूर्ण रोल भूमिका होती है, क्योंकि इनकी आपसी अंतःक्रिया से अपार ऊष्मा का जनन होता है, और जो सूर्य है उस सूर्य का अधिकांश भाग यानी 76% भाग है सूर्य का वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से ही बना हुआ है, अतः उसमें अपार मात्रा में ऊष्मा का जनन होता रहता है। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बिल्कुल अलग था। वर्तमान में पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो गैस है 78% वो नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन है वो लगभग है 21% उसका हिस्सा है। तो यानी वर्तमान में नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रमुख गैसें हैं, लेकिन पहले हाइड्रोजन और हीलियम है उसकी प्रधानता थी। अतः कुछ ऐसी घटनाएं और क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी पर ऐसे सुंदर ग्रह, पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यानी जैसे ही ऑक्सीजन की उपलब्धता हुई, ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, वैसे ही जल का भी निर्माण हुआ, क्योंकि जल भी ऑक्सीजन का एक रूप है, जल में भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाई जाती है, और वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण जीवन संभव हुआ है। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ, उसको हम समझेंगे कि पृथ्वी की संरचना परतदार है, क्योंकि पृथ्वी पर अंतर्जात और बहिर्जात दोनों बल क्रियाशील होते रहते हैं। पृथ्वी के अंदर अंतर्जात जो बल होते हैं वो धरातल पर विषमताएं लाते हैं,
धरातल पर अलग अलग स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, जबकि बहिर्जात शक्तियां यानी बहिर्जात बल होते हैं उनको हम अन्नाच्छादन की शक्तियां कहते हैं, जिसमें अपक्षय और अपरदन का मुख्य भाग होता है, मुख्य रोल होता है। ये दोनों ही अपक्षय और अपरदन धरातल को तोड़ फोड़ कर छोटा करना, उसको वहां से हटाकर परिवहित करके और नीचे भागों में निक्षेपित करना, जमा करने का काम करते हैं। तो बहिर्जात शक्तियां धरातल पर समतलीकरण का काम करती है और अंतर्जात शक्तियां धरातल पर विषमता या धरातल पर नए स्थल रूपों का निर्माण करती है। तो इस रूप में बहिर्जात संरचनाएं पृथ्वी की बाहरी वो अधिक परतदार है और वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह से और पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो एक समान पदार्थ नहीं है, वो भी परतों के रूप में है और उसमें भी अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर सिलिका यानी रेत, सिलिकन जैसे और एल्यूमिनियम जैसे हल्के पदार्थों की प्रधानता है और बीच में फिर मैग्नीशियम और सिलिका आ जाता है और लास्ट में पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है उसमें लोह धात्विक पदार्थ जिसमें निकल और फेरस जैसे तत्व आते हैं उसकी अधिकता बढ़ती जाती है। तो वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है, वायुमंडल का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व अधिक है। तो पृथ्वी की सतह के सबसे भीतरी भाग तक अनेक मंडल है और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग मंडल पाए जाते हैं। ऊपरी परत अलग है जिसको क्रस्ट कहते हैं, बीच का भाग अलग है जिसको प्रवार कहा जाता है, जिसको मेंटल कहा जाता है, जो भी दो भागों में है ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के रूप में, उसके बाद में केंद्रीय परत है वो क्रोड कही जाती है, जो भी दो भागों में है ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड, इन सभी परतों की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब बात आती है पृथ्वी की परतदार संरचना कैसे विकसित हुई, परतें कैसे विकसित हुई, वो उसके पदार्थों के कारण हुई। अब स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ, तो ग्रहणों व दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। ग्रहण और दूसरे खगोलीय पिंड जितने भी जो जिन कणों से ग्रहों का निर्माण होता हो वे कण ग्रहणु कहलाते हैं और पृथ्वी और पृथ्वी के जैसे दूसरे जितने भी जो खगोलीय पिंड होते हैं वो ज्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है, उल्का पिंड यानी जो पृथ्वी है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जितना भी अंतरिक्षीय कचरा छोटे मोटे चट्टानी कण होते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर भी घूमते हैं उसके आकर्षण के कारण, और या फिर जो ब्रह्मांड में बिखरा हुआ जितना भी चट्टानी कचरा होता है उसको हम उल्काएं कहते हैं। उनके अध्ययन से भी हमें इस बात का पता चलता है कि इसमें किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। बहुत से ग्रहणों से इकट्ठा होने से ग्रह बने, यानी बहुत से जो ग्रहणु थे उनके इकट्ठा होने से, यानी जब एक बड़ा पिंड बनने लगता है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का जनन होता है और वो दूसरे पिंडों को अपने में आकर्षित करता जाता है। तो इस रूप में जितना बड़ा वो पिंड होता जाएगा उसकी आकर्षण शक्ति उतनी अधिक बढ़ती जाएगी और उसका आकार भी उसी अनुरूप बड़ा होता जाएगा। तो बहुत से ग्रहणों के इकट्ठा होने से ग्रह बने और पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है, यानी जैसे ही उसकी आकर्षण शक्ति है उसके कारण है जो छोटे मोटे पिंड उसके ऊपर चिपकते गए और उसका निर्माण होता गया। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया जारी रही और अंततः ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा, और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद भी हुआ है। यानी लगातार इन कणों के ग्रहणुओं के धनी भवन के कारण चिपकने के कारण इससे ताप की उत्पत्ति हुई और वर्तमान में भी पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो बहुत ही तप्त, बहुत ही ऊष्मा वाला और आंतरिक भाग पिघला हुआ भी माना जाता है। पृथ्वी का बाहरी जो खोल है जिसको अपन क्रस्ट कहते हैं वो वायुमंडल के प्रभाव के कारण ठंडा हो गया है, जिसके ऊपर बर्फ का भी अस्तित्व है, लेकिन जैसे ज्वालामुखी के उद्भेदन होते हैं और उससे निकलने वाला जो लावा होता है, मैग्मा होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं
कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कितना तप्त होगा। वो जो लावा होता है उसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है एवरेज, और इतने अधिक टेम्परेचर में हम लोहे की रोड डालते हैं तो वो भी बर्फ के समान टपकने लगती है, यानी आंतरिक भाग बहुत ही गर्म है। ऐसा माना जाता है नवीनतम शोधों से कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है उसका टेम्परेचर 4300 से 4500 डिग्री सेल्सियस है। 50 डिग्री सेल्सियस पर हमारी चमड़ी धुलसने लगती है, तो 4300 डिग्री सेल्सियस पर किसी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है, वो पिघला हुआ होगा आंतरिक भाग। तो जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण सहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ गलने पिघलने लगा, और ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। यानी ताप की जो बदलती हुई दशाएं थी, ताप की अधिकता वाली दशाएं थी, उसके कारण अलग अलग प्रकार के पदार्थ है उनका विगला हुआ गलने से, उनके पिघलने से अलग अलग परतें बनती गई। तो घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गया। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहे जैसे पदार्थ है पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। यानी तापमान के कारण जो पृथ्वी का आंतरिक भाग पिघला, उस पिघलने के कारण हल्के पदार्थ हल्के तत्व ऊपरी भाग में आ गए और भारी तत्व थे वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग की तरफ चले गए जिनका घनत्व अधिक था। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए और अंततो गत्वा यह पृथ्वी की परपट्टी के रूप में विकसित हो गए। यानी ऊपरी जो भाग था पृथ्वी का उसको निर्मित किया। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को डिफ्रेंशिएशन या विभेदन कहा जाता है। यानी तापमान के कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग पिघला, पिघलने के कारण भारी भाग थे भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के केंद्रीय भाग की तरफ रह गए, हल्के पदार्थ थे जैसे एल्युमिनियम जैसे सिलिका जैसे और सिलिकॉन जैसे ये पृथ्वी के ऊपरी परतों में आ गए। यानी हल्के पदार्थ ऊपर और भारी पदार्थ नीचे रहे जिसके कारण आंतरिक भाग का घनत्व अधिक हो गया और ऊपरी भाग का घनत्व कम रहा। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संगठन जिसको जेंट इफेक्ट कहते हैं के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। यानी प्रारंभिक भाग में पृथ्वी का जो स्वरूप था उसमें विचलन पैदा हो गया चंद्रमा के बनने के कारण। यानी जेंट इफेक्ट का मतलब एक दूसरा पिंड जब पृथ्वी से टकराया तो आंतरिक भाग में वो जो गर्म हल्के और भारी तप्त पदार्थों की जो एक दशा थी उस दशा में विखंडन हो गया, उस दिशा में विचलन हो गया जिसके कारण जो है पृथ्वी के तापमान में विभेदन उत्पन्न हो गया। तो इस विभेदन का ये जेंट इंपैक्ट है वो दूसरा चरण था और विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से अलग हो गया। पृथ्वी के पदार्थ में हलचल हुई क्योंकि जैसे ही दूसरा पिंड पृथ्वी से टकराया पृथ्वी से बहुत बड़ा हिस्सा उससे टूटकर अलग हो गया जो बाद में चंद्रमा बना, तो उस पृथ्वी में बहुत ज्यादा हलचल हुई जिस हलचल के कारण है अनेक परतों में विचलन हो गया। तो पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती है जैसे भू परपटी। जो परतें बनी बाद में वो ऊपरी भाग जो परतें हैं परत है पृथ्वी की ऊपरी परत जिसको क्रस्ट कहा जाता है इसको परपटी या भू परपटी कहा जाता है। दूसरी परत पृथ्वी की मध्य वाली परत जिसको प्रवार या मेंटल कहा जाता है इसको एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल भी कहते हैं जो कि बहुत कठोर नहीं है। उसके बाद में केंद्रीय जो क्रोड है कोर है यानी केंद्रीय भाग है उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और दूसरा आंतरिक क्रोड या आंतरिक कोर। तो ये जो मूल रूप से पृथ्वी की तीन परतें यानी क्रस्ट मेंटल और कोर, फिर इसको भी दो भागों में क्रस्ट को दो भागों में बांटा गया है ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट।
मेंटल को भी मुख्य रूप से तीन भागों में, दुर्बलता मंडल यानी प्लास्टिक लेयर, फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, और फिर है जो तीसरी जो कोर या कोर है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक आउटर कोर और दूसरा इनर कोर। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है, क्योंकि ऊपरी भाग में बहुत ही हल्के पदार्थ, हल्के तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सिलिका यानी सिलिकन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है। पृथ्वी के मध्य भाग में मैग्नीशियम अधिक पाया जाता है और केंद्रीय भाग में निकल और फेरस जैसे तत्व अधिक पाए जाते हैं, जो प्रकृतिवश अधिक घनत्व वाले हैं, इसलिए पृथ्वी के केंद्र में घनत्व अधिक है, जो औसत घनत्व पृथ्वी का 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। उसमें ऊपरी सतह से पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर बहुत परिवर्तन आता जाता है। केंद्र का औसत घनत्व है वो 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। तो हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन है, वो अगले अध्यायों में हम करते जाएंगे। अब अपन बात करते हैं वायुमंडल और जलमंडल के विकास की। तो कल जो लेक्चर होगा अगला, उसके अंदर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे।